हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पैरो 777 के बी ब्लॉग। और आज मैं न्यू कलेक्शन लेके आ गई हूँ 12 टूटी चौक संडे सदर पटरी बाजार का। और ये सिर्फ और सिर्फ संडे के दिन ही लगती है 12 टूटी चौक के ऊपर। एंड मैं बताना चाहूंगी, यहाँ तक आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको आरके आश्रम का पड़ेगा। वहां से गेट नंबर 2 से आप एग्जिट कीजिएगा एंड वहां पे ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे जो 10 और 20 रुपीज में आपको 12 टूटी चौक के ऊपर उतार देंगे। तो चलिए आज का मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ 12 टूटी चौक संडे सदर पटरी बाजार का। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मार्केट की न्यू ब्लॉग्स मैं अपडेट करती रहूंगी। तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ हमारे क्रोकरी वाले भैया से, जो कि डेकोर एंड प्रॉप जैक्सन बिल्डिंग के अपोजिट साइड अपना कलेक्शन हर संडे के दिन 12 टूटी चौक के ऊपर लगाते हैं। तो देखिए, प्राइस ना साथ के साथ कोट भी हो रहा है। तो जो भी कलेक्शन मैं दिखाऊंगी आपको, तो प्राइस साथ के साथ कोट भी होता है। आगे आप देखिए, जो उनके कांच के ग्लासेस होते हैं ना, 100 के 6 होते हैं, और ये वाले कप काफी सारे होते हैं, तो 10 रुपीज का एक पीस पड़ता है, यानी कि 60 रुपए के 6 पड़ेंगे आपको। अलग अलग डिजाइन के हैं, कोई भी डिजाइन के आप अपने हिसाब से यहाँ से ले सकते हो। और एक भैया का कलेक्शन मुझे आज जो बहुत अच्छा लगा, हाईलाइटेड कलेक्शन था भैया का, ये वाला 250 रुपीज का अमृतवान था। ये काफी अच्छे साइज में था, बड़ा साइज था ये वाला जो आप देख रहे हो ना, तो ये 250 रुपीज का था। और मुझे ये वाले बड़े अच्छे कलेक्शन लगे अचार रखने के लिए, तो बहुत ही अच्छा ये वाला कलेक्शन जो है, तो ये 250 का एक था। ये भैया आए हुए हैं 12 टूटी चौक के बिल्कुल, देखिए ग्रीन मार्केट के स्टार्टिंग में ही आपको भैया मिलेंगे। और भैया का कलेक्शन ना बहुत ही अच्छा है, 600 में आप देख रहे हो, कितने प्यारे प्यारे सूट लेके आए हैं। 600 का कलेक्शन है ये, देखिए भैया दिखा भी रहे हैं, 600 रुपए का कलेक्शन है। बहुत ही हैवी वाले सूट 600 का है। और भैया का ना ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हो, अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो ना, तो वो भी हो जाएगा। देखिए, और भैया ना मेरठ से आते हैं, देखिए मेरठ का कलेक्शन है, देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सब मिलेंगे। 600 रुपए का कलेक्शन है भैया का, 600 रुपए। ये देखिए, ये देखिए। और भैया ना फर्स्ट टाइम 12 टूटी चौक पर अपना कलेक्शन लेके आए हुए थे, इनको जो सूटों का कलेक्शन है ना, फर्स्ट टाइम यहाँ पे लगा है। तो अभी हम देखेंगे कि नेक्स्ट संडे भैया आते हैं या नहीं आते हैं। इनका कलेक्शन अच्छा तो है, बट ना आप जो भी लेंगे तो प्लीज अच्छे से चेक करके लीजिएगा, सामने अच्छे से खुलवा के देखभाल के लीजिएगा। एंड ये देखिए, तो इनके भी कलेक्शन सूटों के बहुत सारे लेके आए थे। तो भैया कह रहे थे कि नेक्स्ट संडे आएंगे, बट अभी देखिए, अब जब हम नेक्स्ट संडे जाएंगे तभी हमें कंफर्म हो पाएगा कि भैया आए हैं या नहीं आए हैं। तो अगर आप 600 में सूट अच्छे परचेज करना चाहते हो, तो आप इन भैया से परचेज कर सकते हो, बट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर देखभाल कर और अपनी समझदारी के साथ खरीदेगा जो भी आप खरीदेंगे। तो देखिए, सूटों के कुछ कलेक्शन हम आपको इनका दिखा रहे हैं, तो उस टाइप से इनके सूट भी काफी अच्छे लग रहे थे। और अगर आपको किचन के रिलेटेड सामान चाहिए ना, तो ये भैया का भी कलेक्शन बहुत ही अच्छा लगता है, मैंने भी यहाँ से परचेज किया है। तो आप देख रहे हो जो ऊपर वाले कप है डिजाइन वाले, ये वाले 150 के 6 हैं, ये वाले जो आप देख रहे हो, ये 150 के 6 है। बहुत ही अच्छा कलेक्शन है भैया का। इनके पास में ना 100 के 6 भी हैं, और ये वाले जो है ये 50 रुपए के 6 मिलेंगे, ये वाली जो लाइन है 50 के 6 हैं। तो इनके ना 50 के 6 कप से लेकर आपको 100 रुपीज के भी मिलेंगे और 150 के भी मिलते हैं। और ये वाला कलेक्शन है, ये आपको 50 के 2 पड़ेंगे बड़े वाले कप जो हैं, और आपको अगर एक लेना है तो 30 रुपीज का आपको एक पड़ेगा। बिल्कुल डिस्पेंसरी के आगे भैया का कलेक्शन लगता है, देखिए दो रेट है भैया का, मतलब भैया के अलग अलग रेट प्राइस होते हैं, 250 से स्टार्टिंग होते हैं, 1000 के बीच में मिल जाता है ना भैया। और ये वाला कितने का भैया? 250 वाले, ये 250 का, देखिए कितना प्यारा कलेक्शन है भैया का, मोती वर्क है एंड साथ में स्टोन वर्क भी है, 250 का। तो यहाँ से भी आप मतलब सूट का कपड़ा ले सकते हो भैया से। भैया कलेक्शन ये देखिए, ये डिजाइन होगा, बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल का है। और ये देखिए कितना प्यारा कलेक्शन है। और एक आप ये देखिए, 350 का कलेक्शन भैया दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये साथ में दुपट्टा है इसके, एंड ये देखिए 350 और कॉटन के भी आपको चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे, ये 450 कॉटन में, बहुत ही प्यारा कलेक्शन है भैया का। और आगे देखिए, एक जॉर्जेट में था ये वाला जो कलेक्शन आप देख रहे हो, 350 का सूट था, ये भी बहुत ही अच्छा कलेक्शन थे जो आप देख रहे हो ना। जो भैया के 250 रुपए वाले सूट है ना, उनके साथ दुपट्टा नहीं था, बट जो भैया के 350 वाले सूट का कलेक्शन है उनके साथ दुपट्टा था। और भैया ना ऑनलाइन भी प्रोवाइड करते हैं, बट देखिये कॉन्टेक्ट नंबर तो मैं अपडेट कर रही हूँ भैया का ऑनलाइन के लिए,
बट ऑनलाइन जो परचेजिंग आप करोगे ना, तो प्लीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर कीजिएगा, क्योंकि चैनल इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। तो ऑनलाइन अगर आप लोगे तो वो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। नंबर मैंने साथ के साथ अपडेट भी कर दिया है भैया का, और काफी सारे कलेक्शन थे। ये भैया है, और ये देखिए ये रास्ता है, मतलब डिस्पेंसरी के बिल्कुल आगे, आप बारह टूटी चौक पर किसी से भी पूछिएगा डिस्पेंसरी, उसके आगे लगाते हैं। और एक भैया का ये कलेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, 450 रुपीज में था, बिल्कुल प्योर कॉटन मटेरियल, हाथ में उठा के ही पता चल रहा था कि सूट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। तो ये वाला भैया ना 450 रुपए का दे रहे थे। आप देखिए और भी काफी अच्छे कलेक्शन थे इसमें, कलर्स और डिजाइंस भी थे। ये 450 के कलेक्शन थे जितने भी आप देख रहे हो। तो अगर आप इनसे परचेज करना चाहते हो तो आप बात कीजिएगा, बेहतर है कि आप ना यहाँ पे आकर परचेज करें, क्योंकि ना आके परचेज करना ही अच्छा रहता है, आप सामने देखभाल के ले सकते हो। इसी में चाहिए तो आपको देखिए क्रेप फैब्रिक के मिलेंगे, ये भी कपड़ा ही है। तो ये वाले जो आप देख रहे हो 1000 और 1200 के प्राइस में, बिल्कुल डिस्पेंसरी के आगे। और आगे आप जो देख रहे हैं ना, ये भी डिस्पेंसरी, मतलब 12 टूटी चौक की डिस्पेंसरी, आप किसी से भी पूछिएगा तो ये डिस्पेंसरी के बिल्कुल आगे ही भैया का कलेक्शन लगता है। जो भैया मैं अभी सूट वाले दिखा रही हूँ ना, उनके ही बिल्कुल अपोजिट साइड में इन भैया का भी कलेक्शन लगता है। और इनका जो कलेक्शन है 160 रुपीज का होता है मोस्टली। तो ये बच्चों का जो कलेक्शन आप देख रहे हो, ये 160 रुपीज में सेट मिलेगा आपको पूरा। इसमें आप देखिए 3 से 4 साल के बच्चे से लेकर 7 से 8 साल का कलेक्शन मिलता है। आगे जो आप देख रहे हो 20 रुपीज का कलेक्शन मैं दिखा रही हूँ आपको, ये है मतलब जो नेक के लिए होता है ना बुकरम, तो पेस्टिंग बोलते हैं इसको, तो पेस्टिंग है। 20 रुपए का ये पूरा पैकेट मिलता है एक, और इसमें काफी सारे जो है नेक के पेस्टिंग होती है। और इनके देखिए आपको रबड़ वगैरह चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। एंड ये 30 रुपीज का है, ये मेजरमेंट के लिए होता है। एंड अगर आपको रील चाहिए तो ये 10 रुपीज की 3 थी, थोड़ा सा मोटा था ये, तो 10 रुपीज की 3 थी वाला जो आप देख रहे हो। एंड थोड़े हल्के में थी, जो पतले में थी थोड़ी, ये वाली ये 10 रुपीज की 4 मिलती है। तो इन भैया का कलेक्शन भी ना डिस्पेंसरी के बिल्कुल आगे ही लगता है इनका कलेक्शन। और इनके पास सारा का सारा स्टिचिंग से रिलेटेड सारा प्रोडक्ट आपको मिलेगा, जो भी स्टिचिंग के लिए चाहिए देखिए सब होता है इनके पास में। और देखिए इनके पास में चैन से लेकर, मतलब एक छोटी से छोटी मशीन की चीज से लेकर हर चीज इनके पास स्टिचिंग का अवेलेबल होता है, तो स्टिचिंग का आप ले सकते हो। और इन्हीं के बगल में देखिए डिस्पेंसरी के बिल्कुल आगे ये लिखा हुआ ना दिल्ली नगर निगम, और ये देखिए इसके बिल्कुल आगे अंकल का कलेक्शन लगते हैं। और इनका जो सेट देख रहे हो 200 रुपए का सेट है, जो भैया के हाथ में भी ये जो कपड़े को फोल्ड कर रहे ना ये वाले, इसमें 2-3 कलर थे, तो 200 में सूट का सेट था, बॉटम वियर और अपर वियर का, बट विदाउट दुपट्टा। आगे आप देखिए इनका कलेक्शन हम दिखाते हैं, 150 रुपीज में 5 मीटर कपड़े देते हैं ये अंकल। और जितना भी कलेक्शन आप देख रहे हो इसमें ही ना मिक्स होता है, रियोन कॉटन मिक्स होता है, तो 150 रुपए का था 5 मीटर। एंड वो बिल्कुल प्योर कॉटन है पीछे, वो 250 रुपए का 5 मीटर है पीछे वाला। और ये जितना भी आप कलेक्शन देख रहे हो अंकल का, ये 150 रुपए में 5 मीटर है। काफी सारे मतलब इसमें कलर्स एंड अलग अलग डिजाइन के कपड़े आपको मिल जाएंगे। देखिए काफी सारे कलेक्शन होते हैं, अभी तो अंकल लगा ही रहे थे अपना स्टॉल, सुबह का ही टाइम था। तो 12 टूटी चौक के डिस्पेंसरी के आगे अंकल अपना स्टोर लगाते हैं। और ये देखिए मैं अंकल दिखा देती हूँ, ये वाले अंकल मिलते हैं बिल्कुल, ये बिल्कुल डिस्पेंसरी के आगे बैठे होते हैं। और ये देखिए मैं आ गई हूँ प्रदीप भैया के शॉप पर, जिन्हें राकेश भैया भी बोलते हैं। तो ये देखिए 350 का सूटों का कलेक्शन है, ये देखिए जितना भी आप देख रहे हो उनका 350 का कलेक्शन है। और ये भी भैया ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं, तो इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी मैंने अपडेट कर दिया साथ के साथ में, तो आप इनसे बात करके ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। इनके कलेक्शन काफी अच्छे होते हैं। और आगे आप देखिए बिल्कुल टाउन हॉल के आगे कलेक्शन लगता है, 35 रुपए पर मीटर के हिसाब से कपड़ा लगाते हैं भैया। और हर संडे इनका कलेक्शन लगा होता है बिल्कुल टाउन हॉल के आगे, आप किसी से भी पूछेगा या मेरी वीडियो में देखिएगा तो आपको दिख जाएगा। और आगे देखिए और लेडीज एंड गर्ल्स का कलेक्शन है 100 रुपीज में। तो ये जितना भी आप देख रहे हो ना 100 रुपए का है। और ये भैया हर संडे अपना कलेक्शन लगाते ही हैं। डेकोर एंड जैक्सन के अपोजिट साइड बाबू भैया की जो शॉप है उसके अंदर एक गली सी जाती है, तो वहां पे इनका कलेक्शन लगता है। तो ये 100 रुपीज का कलेक्शन भैया लगाते हैं, काफी अच्छे कलेक्शन होते हैं ये वाले भैया देखिए आप। एंड इन्हीं के पास और भी कलेक्शन था, और ये वाला जो देख रहे हो शूज का, ये 150 रुपीज के है, हाई वाले जो होते हैं ना, तो ये 150 के शूज हैं। एंड ये देखिए एक और कलेक्शन था 200 रुपीज का, ये वाला भी बहुत अच्छा कलेक्शन था भैया का, इसमें 2 कलर थे ब्लैक एंड ये गोल्डन, ये 200 का कलेक्शन है। तो इनके भी काफी अच्छे कलेक्शन होते हैं, आप इनसे भी परचेज कर सकते हो। ये वाले भैया भैया के पास में आ गई हूँ, ये टाउन हॉल आप देख लीजिए, टाउन हॉल के बिल्कुल नीचे। आंटी ने आज नहीं, आज आंटी ने तो भैया आए हुए हैं। और ये चादर का कलेक्शन है भैया का, कितने की भी वाली? 250 रुपए। अच्छा ये देखिए पिलो कवर के साथ में ना, और ये प्योर कॉटन की चादर है पिलो कवर के साथ में। देखिए आपको पिलो कवर भी मिलेंगे, ये देखिए इसके साथ में 2 पिलो कवर्स होते हैं। 250 रुपए का कलेक्शन है भैया का, 250 का।
बहुत ही प्यारे कलेक्शन होता है भैया का, और बिल्कुल प्योर कॉटन की चदरे भैया हमेशा लेके आते हैं। देखिए कितने प्यारे कलेक्शन है। तो भैया का कॉन्टेक्ट नंबर मैं दे दूंगी आपको, ऑनलाइन भी देते हो ना आप? तो भैया ना आपको ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर देंगे। ऑनलाइन में देखिए कम से कम कितने पीस होने चाहिए भैया, कम से कम कितने पीस होने चाहिए चदरों के? दो तीन ना, कम से कम आपका तीन पीस चदर के होने चाहिए। आप एक ये वाला देखिए, ये कितने का भैया? ये आपको 200 का पड़ेगा। पिल्लो कवर है इसके साथ में? पिल्लो कवर नहीं होगा आप इसके साथ में। ये देखिए 200 का कलेक्शन है, ये देखिए फिटेड चादर है, और किंग साइज बेड की है ये, क्वीन साइज, किंग साइज बेड की चादर है 200 की। ये देखिए, और ये देखिए, ये देखिए कितना प्यारा कलेक्शन है। बस पिल्लो कवर नहीं होंगे, सब फिटेड वाले हैं। जितने भी आप कलेक्शन देख रहे हो, सिर्फ 200 रुपए का कलेक्शन भैया का है। और आगे देखिए कितने प्यारे कलेक्शन है भैया के। तो जितना कलेक्शन आप देख रहे हो भैया का, ये 200 का फिटेड वाले जो मतलब फिट हो जाते हैं बिल्कुल बेड के ऊपर। ये देखिए, ये इसमें मतलब लास्टिक लगा होता है किनारों पर। ये देखिए, तो बस पिल्लो कवर नहीं होंगे इनके साथ ना? जी, कवर है वो 300-250 का है जी, जिनके साथ नहीं है वो है। फिटेड के साथ है कोई ऐसे जिसके साथ पिल्लो कवर हो फिटेड के साथ? है ना। देखिए कैसे दिए भैया, कॉटन है, प्योर कॉटन है। ये देखिए वो वाला कॉटन है पूरा 200। और आगे आप देखिए डोरमेट से भी है कि 150 का था ये वाला, काफी मतलब लंबाई इसकी काफी अच्छी थी। एंड और जो थे ये वाले, ये 100 and 120 का कलेक्शन था। बट जो अभी दिखा रही हूँ ये 100 का दिखा रही हूँ मैं आपको, जिसमें अगर थोड़ा सा बड़ा है तो वो 120 का, और ये वाला कलेक्शन 100 रुपीज का था। काफी अच्छे कलेक्शन आए हुए थे। और हर संडे टाउन हॉल के आगे भैया अपना कलेक्शन लगाते हैं, आंटी भी आती है, बट आज आंटी नहीं आए हुए थे। तो ये कलेक्शन है इनका। आगे आप देखिए ये कलेक्शन चादरों का मैं आपको दिखाती हूँ। ये डेकोर एंड जंक्शन करके है बिल्डिंग, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड भैया अपना कलेक्शन हमेशा चादरों का लगाते हैं। ये 250 रुपीज में 4 मीटर का बड़ा सा थान होता है, जिसके अंदर एक डबल बेड की चादर निकलती है और एक सिंगल बेड की चादर निकलती है, और साथ में पिल्लो कवर। तो ये थान ही लेना पड़ता है आपको, बाकी जो स्टिचिंग आपको खुद करानी पड़ती है। देखिए इस टाइप से थान होते हैं। तो ये जितना भी कलेक्शन आप देख रहे हो 250 रुपीज के चादरों का कलेक्शन है, जिसमें एक डबल बेड की चादर निकलेगी, एक सिंगल मतलब जो दीवान बेड होता है ना सिंगल, तो एक दीवान बेड की निकलेगी और 2 पिल्लो कवर्स इसमें निकलेंगे। बट आपको पिल्लो कवर्स वगैरह वो खुद ही बनवाने पड़ेंगे। तो ये थान मिलता है 4 मीटर का 250 रुपए में। और इनके कलेक्शन भी हर संडे को मैं लगा हुआ देखती हूँ। ये देखिए, तो इसमें भी आप जब लेना तो थोड़ा देख के लीजिएगा। इसमें देखिए थोड़ा सा कभी, ये देख रहे हैं आप इसमें लाइन भी है बीच में, तो इसलिए ऑनलाइन के रिकमेंड मैं नहीं करती हूँ। मैं इसलिए बोलती हूँ कि आप आकर परचेज कीजिए, खुद आप अपने सामने चीज को देखिए और अच्छे से देखभाल कर अपनी समझदारी से परचेज कीजिए। इसलिए मैं बोलती हूँ आपको कि ऑनलाइन से बेटर है कि आप सामने आए। आप देखिए चित्र में लाइन है बीच में, तो इस तरीके से आप अपनी समझदारी से यहाँ पे आके परचेज कीजिए। बाकी कपड़े इनका अच्छा होता है, हर चादरों में ऐसी लाइन नहीं होती। अब ये देखिए बिल्कुल अच्छी है, इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, तो इसलिए आप आकर लें वो बेटर आपके लिए। तो ये चादरों का कलेक्शन आपको मैं दिखा रही थी। आगे आप देखिए, ये है टाउन हॉल जो हमेशा मैं आपको बताती हूँ, उसके बगल से ग्रीन मार्केट का रास्ता जाता है, और वहीं पर ही अंकल अपना कलेक्शन लगाते हैं फुटवेयर्स का, गर्ल्स किड्स एंड आज बॉयज का नहीं था, लास्ट टाइम बॉयज का भी भैया ने अपना कलेक्शन लगाया हुआ था। और ये देखिए 150 रुपीज का कलेक्शन है, प्राइस ना साथ साथ अपडेट हो रहा है। तो इनके कलेक्शंस ना फुटवेयर्स, ये जो गर्ल्स के लिए जो आते हैं सैंडल्स वगैरह, तो बहुत ही अच्छा कलेक्शंस होता है 150 के अकॉर्डिंग ना। ये बहुत अच्छा कलेक्शन है, क्योंकि यही चीज अगर आप बाहर से लोगे ना तो आपको पता होगा कितने महंगे मिलते हैं। इसमें ब्रांड के भी होते हैं, ब्रांड का नाम हम जानबूझ के नहीं लेते हैं, बट ब्रांडेड भी इनके अंदर आते हैं। आगे आप ये देखिए, न्यू कलेक्शन आया हुआ था 250 रुपीज में, इनका भी काफी अच्छा कलेक्शन था। ये वाला जो आप देख रहे हो ब्राइडल स्लिपर थी, ब्राइडल के लिए स्लिपर थी, अनोन ब्राइडल भी पहन सकते हैं फंक्शन वगैरह के लिए। तो ये वाला कलेक्शन आप देखिए, इनका काफी अच्छा था। और आगे देखिए, किड्स के लिए है, बेबी गर्ल्स का कलेक्शन है ये स्लिपर्स का, ये वाले 200 रुपीज के हैं। भैया के 2 प्राइजेस आते हैं, कभी कभी भैया 150 के भी लेके आते हैं, बट अब की बार उनका 200 का कलेक्शन था। और देखिए बहुत ही अच्छे कलेक्शन होते हैं, और सारा के सारा कलेक्शन ना शोरूम्स कलेक्शन होते हैं। और ये वाले कलेक्शन अगर आप बाहर से लेते हो तो ये भी बहुत ही महंगे आते हैं, बट इनके पास में सिर्फ 200 रुपीज में सेल आउट होते हैं। और हर संडे इन भैया का कलेक्शन भी आपको टाउन हॉल के आगे मिलेंगे, आप भैया को देख लीजिए। अब टाउन हॉल के अपोजिट साइड ना बिल्कुल रोड क्रॉस करके 10 रुपीज के इस टाइप से सेल लगती है। तो ये देख रहे हो प्लास्टिक का कप था एंड स्टील का छोटा कप था, तो ये सब 10 रुपए का एक आपको पड़ेगा। जितने भी कलेक्शन आप देख रहे हो ना,
ये 10 रुपीज के आपको एक पड़ेंगे। इनमें आपको कॉम्ब भी मिलेंगे एंड ब्रशेस भी होंगे और स्टेशनरी का भी काफी सामान होते हैं, पेन पेंसिल रबड़ वगैरह सब होते हैं भैया के पास में। एंड आप बुक्स लेना चाह रहे हो छोटे बच्चों के लिए तो आपको बुक्स भी मिल जाएंगी स्टेप से लिखने के लिए, ये राइटिंग बुक्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे 10 रुपीज की, ये एक है। तो इनका कलेक्शन भी बहुत अच्छा होता है 10 रुपीज में। इसमें देखिए आपको अल्फाबेट भी मिलेंगे एंड काउंटिंग के लिए भी मिल जाएंगी। और ये देखिए कितना सारा कलेक्शन है भैया का, ये सारा 10 रुपीज का आपको एक पड़ेगा। और इन्हीं से थोड़ा सा आप आगे देखेंगे ना बिल्कुल रोड के ऊपर भैया अपना कलेक्शन लगाते हैं, तो इन भैया का जो कलेक्शन है ना तो 50 रुपीज की कैप से स्टार्ट होता है एंड 200 तक इनका मैक्सिमम कलेक्शन जाता है। तो आप जितने भी देख रहे हैं उनके पास में ये बच्चों का भी कलेक्शन होता है फैंसी कैप्स का एंड बड़ों के लिए भी फैंसी कैप्स भी होती हैं। ये जो है सारा कैप्स का कलेक्शन आपको मैं दिखा रही हूँ उनका, तो ये 200 के अंडर होता है जितना भी कलेक्शन आप इनका देख रहे हो। तो ये भी हर संडे के दिन 12 टूटी चौक पर अपना कलेक्शन लगाते हैं। आगे आप देखिए ये जो आप देख रहे हो कांच का नहीं है प्लास्टिक का है और ये 20 रुपीज के कलेक्शन मैं आपको दिखा रही हूँ। ये भी बिल्कुल 12 टूटी चौक के ऊपर रोड पर ही भैया अपना कलेक्शन लगाते हैं। ये कप काफी अच्छा लग रहा था 20 रुपीज के अकॉर्डिंग। एंड ये जितना भी कलेक्शन आप देख रहे हो ना सबके सब 20 रुपीज का आपको एक पड़ेगा, चाहे आप ये लीजिए। कितना अच्छा कलेक्शन है, छोटी से ये जो है बॉक्स था बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये सारा का सारा 20 रुपीज का कलेक्शन है। तो देखिए काफी भीड़ हो जाती है यहाँ पे, तो इस टाइप से देखिए जितने भी आप देख रहे हो ये वाले कप बड़ा अच्छा लग रहा था, ये भी 20 रुपीज का आपको एक पड़ेगा। और ये देखिए कूड़ा उठाने के लिए इसके साथ में ब्रश भी था, तो ये भी 20 रुपीज का ही आपको एक पड़ेगा। आप जितने भी प्रोडक्ट देख रहे हो ना, चाहे नाइफ देखिए या आप ये पोचा वगैरह, 20 रुपए का एक कलेक्शन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड आप न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब मी एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।